नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप हैं एडवीजा के यूट्यूब चैनल पर। वीडियो है दोस्तों, जो अभी यूके का वीजा निकला था उनका है। थॉमस जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जो वीजा आपका निकला है। आपको भी बहुत मुबारक। कोई बात नहीं, आप पहले एक बार ही दिखाते हैं वीजा और फिर आगे बात शुरू करेंगे। ये इनका यूके का अभी वीजा निकला है और जी अभी बात करते हैं। फिर सबसे पहले तो सर मुझे ये बताएं कि प्रोफाइल क्या थी। प्रोफाइल सर मेरी बिजनेस की थी जी। डॉक्यूमेंट जैसे ही आपने बोला वैसे ही आपने मेरे सारे डॉक्यूमेंट को सेट करवाया जी। आपने मेरे को बहुत ही अच्छा गाइड किया है। मैं यही चाहता हूँ कि जो कोई और भी करवाना चाहे तो आपसे जरूर मिले। मैं जलंधर से आया हूँ जी। इतना आपसे फेथ के आपके ट्रस्ट आप पर मैंने किया है बहुत ज्यादा। अभी तक मैंने आपको फीस भी नहीं पे की जी। वो बिल्कुल ये भी इनकी बात हुई थी। मैंने अभी तक इनको फीस भी पे नहीं की, इन्होंने मेरे पर इतना ट्रस्ट किया है। मैं इनका बहुत ही धन्यवाद हूँ। ऐसे मैंने आज पहले ऐसे मेरे सर को देखा है जिन्होंने इतना मेरा साथ दिया और फोन पर भी जितनी मैंने इनसे एडवाइस की एक बार भी मेरे को फोन पर इन्होंने मिस नहीं किया। बहुत ही मेरे साथ इन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया है। मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने ट्रस्ट किया जी। नहीं तो जलंधर में भी भरे पड़े हैं। हाँ जी हाँ जी जी, बहुत भरे पड़े। मेरा पासपोर्ट भी फ्रेश था तो रिफ्यूजल भी थी एक मेरी फ्रांस से। तो मेरी कोई ट्रेवलिंग नहीं थी। इनके बावजूद भी इन्होंने मेरे को बहुत ही गुड एडवाइस और गुड प्रोफाइल इन्होंने बनाई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ करता साहब का। मैं यही आशा करता हूँ कि एक बार सर से जरूर मिले, चाहे वो किसी भी कोने पर बैठे हो, सर से जरूर आप बात कीजिएगा जी। फोन पर भी आप सर से बात कर सकते हैं। लेकिन सर बहुत ही एक अच्छे आदमी है, अच्छे सुभाव है इनका, बहुत ही बढ़िया आदमी है, इसलिए मेरा तो यही है धन्यवाद। नहीं नहीं जी, आपका धन्यवाद है। और इनकी प्रोफाइल थोड़ा सा बता दो, बैंक में 6-6.5 लाख आपके थे। हाँ जी हाँ जी, बस इतनी। और बिजनेस की प्रोफाइल है इनकी, बिजनेस करते हैं ये और डॉक्यूमेंटेशन उसी हिसाब से था। आपके करंट अकाउंट था सर के? हाँ जी करंट अकाउंट मेरा था जी। करंट अकाउंट था। देखिए बिजनेस में ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो प्लीज आप करंट अकाउंट जरूर खोल लीजिएगा। अगर वो नहीं होता तो फिर हम लोगों को उसको जस्टिफिकेशन देने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप अगर बिजनेस प्रोफाइल है आपकी तो जरूर आप अपना बैंक स्टेटमेंट बना करके रखें, करंट अकाउंट जरूर रखें, करंट से सेविंग में भी पैसे लें। हाँ जी। तो वो बहुत सी चीजें होती हैं। सेविंग अकाउंट आपका कैसा था? सेविंग अकाउंट सर मेरा था कम से कम बस 6 लाख रुपया था। 6-6.5 लाख करंट से सेविंग में हम ले रहे थे। हाँ जी हाँ जी, करंट से सेविंग में। जैसे आपने बताया जी जी, जैसे मैंने बताया था वो करंट से सेविंग में पैसा लेते रहे तो बहुत इजी हो जाता है मेरे लिए फिर वीजा लेना। कर भी दें रिफ्यूज तो फिर चैलेंज करके हम ले सकते हैं, वो इतना बड़ा इशू नहीं रहता उस चीज में। बाकी फ्रेश पासपोर्ट, वीजा मिलना और रिसेंटली अभी फ्रांस की रिफ्यूजल, उसके बाद वीजा आया है तो हम लोगों को बहुत खुशी है। और सबसे बड़ी तो आप सब जो इतना ट्रस्ट करते हैं, मिलते नहीं है पहले तो बिना मिले ही सारा काम होता है। बिल्कुल सही बात है। मैं एक बार भी नहीं आपको मिला, आज मिला मुझे वीजा लगने के बाद। जी जी जी, वो मेरे 29 को इशू हो गया, 29 को इशू हुआ वीजा मेरा जी। और मेरा एक मंथ में पूरा एक मंथ लगा। 28 को मेरी अपॉइंटमेंट थी जी, तो 28 को मेरा वीजा और 29 को लग गया था। जी जी, बहुत बहुत खुशी है। और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है, देखो यूके का वीजा मैं क्यों कहता हूँ सभी को, क्योंकि यूके हमेशा डॉक्यूमेंट्स देख के वीजा देता है। यूके का वीजा हो तो फिर दूसरे वीजे लेने थोड़े आसान हो जाते हैं। शेनेगन एक ऐसी कंट्री है जो अभी की मैं बात करूं, अगर आप शेनेगन डायरेक्ट फाइल लगा रहे हैं तो सक्सेस रेट बहुत कम है, इतना अच्छा नहीं है। लेकिन यूके का वीजा लेकर के फिर शेनेगन करें तो सक्सेस का रेट थोड़ा बढ़ जाता है उससे। बाकी आपको फिर से मुबारक हो सर। बहुत बहुत ही धन्यवाद जी। मैं तो आपका ही बहुत धन्यवाद, बहुत हेल्पफुल हूँ आप, आपने बहुत ही हेल्प मदद की है जी मेरी, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है सर, ओके जी।